फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगर यश। आज हम जा रहे हैं मालदेवता, उसका व्लॉग है, ये हमारा पहला व्लॉग होगा। तो आप देख सकते हैं, ये पैसिफिक गोल्फ कोर्स जो सोसाइटी है उसके नीचे से जो रास्ता जाता है शहसाधारा के लिए, उस तरफ से हम जा रहे हैं। देखिए साइड में खाई है, पहाड़ है। आज हमारा ये पहला व्लॉग होगा। अब हम मालदेवता एंटर हो चुके हैं, ये देखिए। अब हम लोग जो है मेन मालदेवता तक जाएंगे, जहाँ पे मेन रिवर आती है, तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे। अब देखिए शहसाधारा रोड से अब हम यहाँ पे आ चुके हैं मालदेवता रोड पे। आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है और पेड़ पौधे बिल्कुल हरा भरा हो रखा है सब जगह। देखिए अब हम मालदेवता रोड से आगे जा रहे हैं। देखिए वहाँ से दो नदी मिल रही है, इसको संगम कहते हैं, आप जानते होंगे इसको। ये देखिए मेरे ख्याल से तो तीन ही मिल रही है, नहीं नहीं दो ही है, हाँ दो है। देखिए आप, चलो अब हम आगे चलते हैं। ये नेचुरल वाटरफॉल है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पहाड़ों से पानी रिसता है और ऐसे आता रहता है पानी। देखिए एक्चुअली हम मेन मालदेवता तक तो नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा अभी हो रहे थे और वहाँ के जो लोकल लोग थे उन्होंने हमें वापस बोल दिया कि आप वापस चले जाइए। हमारे सामने ही एक सडन लैंडस्लाइड हुआ और लेकिन मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया। तो हम वहाँ से थोड़ा आगे से आए हैं और यहाँ पे भी अब देखिए रिवर जा रही है, वही बात पड़ेगी। कोई नहीं, हम फिर लाएंगे वहाँ तक का व्लॉग, अभी हम यहाँ जाएंगे, तो हम नदी तक चलते हैं। ये फ्रेंड्स लोग यहाँ पे भी है। लैंडस्लाइड सही में वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, हमने रिस्क नहीं लिया, पता चला लैंडस्लाइड हो गया। देखिए फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं, हमने ये ऑब्जर्व करा अभी, ये नदी से रास्ता काट के निकाला जा रहा है पानी, ये भी सिंचाई की यूज़ होगा। ये देखिए, और इससे सिंचाई की जाएगी गाँव में और आप देखिए खेती होती है। बहुत बढ़िया है ये यहाँ पे सिस्टम, मतलब उत्तराखंड में जहाँ तक मैंने देखा है बहुत लॉजिकल थिंक करते हैं लोग और काफ़ी अच्छा बना रखा है। वो देखिए फ्रेंड्स पुल है, वो रोड को कनेक्ट कर रहा है। फ्रेंड्स बहुत ही साफ नदी है, बहुत ही ठंडा पानी है, आप यहाँ पे ज़रूर आए, आपको इतना अच्छा लगेगा मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हमें आके बिल्कुल माइंड हमारा फ्रेश हो गया, बहुत टाइम से घर में ही थे, आज बहुत टाइम बाहर निकले और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप यहाँ पे आए ज़रूर एक्सप्लोर करना है इस जगह को फ्रेंड्स, बहुत अच्छी जगह है ये। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल साफ है, एकदम वाइट दिखेगा आपको, देखिए पत्थर दिख रहे हैं आपको, देखिए बहुत बढ़िया, मज़ा आया हमें बहुत। वो एक वाटरफॉल है, वहाँ पे हम गए थे, काफ़ी गहरा था वो, क्योंकि पानी पड़ता रहता है लगातार और वहाँ पे मिट्टी निकलती रहती है। वो देखिए वहाँ पे एक भैया फ्लोट भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी जगह है ये फ्रेंड्स। मेन मालदेवता से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, रिवर यहाँ पे है ये देखिए, और अब यहाँ पे हम कुछ खाएँगे। अभी अभी हमने एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, खाना खा रहे थे, तो हमने ये नोटिस करा, इन्होंने अपने कंसेप्ट बना रखा है किचन गार्डनिंग का। ये देखो यहाँ पे टमाटर उग रहे हैं और अब खूब लंबा है, ये ज़मीन से हो रहा है ना, हमारे घरों में तो इतना दिखेगा नहीं आपको ऊँचा। ये देखो खूब बढ़िया टमाटर भी लग रहे हैं इसमें। गेंदे के ये देखिए, इतने बड़े बड़े घने गेंदे एकदम। ये देखो पेड़ तो छोटा ही है लेकिन इसमें फल आ रहा है। ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है रेस्टोरेंट का, आप पहचान गए होंगे क्या चीज़ है, ये तोरई है। देखिए
छोटी है अभी खूब, और बहुत लंबी बेल है ये देखो, तो इसमें खूब आएगी। अभी सीज़न चल रहा है मतलब तोरी का, ये है ये अभी इसमें निकलेगी, देख सकते हैं येल्लो फूल है ये, वहाँ वहाँ से अभी तोरी निकलेगी इसमें से। फ्रेंड्स बैंगन का पौधा है ये, देखिए बैंगन दिखाऊंगा अभी आपको मैं, ये देखो दिख गया ना, ये बैंगन का पौधा है और ये वही बेल है तोरी वाली, अभी आपको तोरी दिखाई भी थी मैंने, ये उसी की बेल है का पौधा है, ये ज़्यादा बड़ा है, बड़े बैगन भी है इसमें, ये फूल आ रहे हैं। कैसा मौसम हो रहा है वहाँ पे पहाड़ों में, मसूरी है शायद, धनौल्टी है ये, हाँ ये धनौल्टी की हिल्स है, एकदम बढ़िया मौसम हो रहा है। बस वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ना होती ना अगर जाने के लिए, तो हम वहाँ का ब्लॉग भी ज़रूर लाते, क्योंकि हमने तो ट्राई भी करा था वहाँ पे जाने का लेकिन हमें मिला नहीं वो। तो देखिए आप सड़कों पर भी पानी भर चुका है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है। अब हम मालदीवता से निकल चुके हैं, अपने घर जा रहे हैं अब हम वापस, तो वही रूट है हमारा वापस जाने का, बहुत अच्छा रूट है, खूबसूरती देखिए आप यहाँ की नेचर की, कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। कितनी अच्छी लग रही है पहाड़ियाँ। गाइस फाइनली हम अपने घर पे आ चुके हैं और मालदीवता का हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप भी जाके ज़रूर एक्सप्लोर करना, मालदीवता बहुत ही अच्छी जगह है। और मालदीवता के लिए एक टिप है कि आप मालदीवता जाए तो रेनी सीजन्स में अवॉइड करें, वहाँ पर पानी भी गंदा आएगा, फ्लो भी ज़्यादा रहेगा और बारिश का भी खतरा रहता है। तो आप ज़्यादातर प्रेफर जो मैं करूँगा आपको वो है कि आप अक्टूबर में जाए या सितंबर अक्टूबर के बीच में, ये बढ़िया रहेगा। हम सितंबर में गए हैं तो सबसे बेस्ट सीज़न यही है, और हम नेक्स्ट ब्लॉग अपना जल्दी लाएंगे, अभी पता नहीं क्या होगा। एक्चुअली हम मेन मालदीवता तो नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइड इतने हो रहे थे जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। तो हम मालदीवता से आगे धनौल्टी रोड पर पहले गए थे और फिर वापस हम मालदीवता रोड पर आए, वहाँ पर भी नदी बहती है तो हम थोड़ी देर वहाँ पर हम रुके। तो हमारा व्लॉग आप देखिए और इसको शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बी ऑन माई चैनल।